साथियों पिछले दिन ही पंजाब दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री है व्यापारी ने जिहड़े उन्हां दी वख-वख दफ्तरां च खज्जल खुआरी जिहड़ी हुंदी सी परमिशन लैण लई एनओसीज लैण लई उहनूं रोकण वास्ते एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जिहड़ा देश दे विच हजे किसी सूबे ने इंट्रोड्यूस नहीं कीता सी। पंजाब पहला सूबा है, असीं ग्रीन कलर दा हरे रंग का जिहड़ा अस्टाम है वो स्कीम कढ़ी है कि व्यापारी पहला जमीन देख लूगा, वो जमीन बारे इन्वेस्ट पंजाब के दफ्तर च आके जा पोर्टल ते जाके उन्हें दस दूगा कि आ जमीन है। तो साड़ी जिहड़ी टीम है इन्वेस्ट पंजाब की जिहड़ी CLU की टीम है, पोल्यूशन की टीम है, फायर की टीम है, हाउसिंग की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, वो सारिया टीमों उस जगह पर जाके उन्हें देख के तो क्लीयर कर देनगियां। तो फिर उस व्यापारी को कहा जाऊगा कि हुण तू रजिस्ट्री करवा ला ग्रीन हरे रंग दे स्टाम्प पेपर ते। जिहड़ा तहसीलदार है वो इन्वेस्ट पंजाब के दफ्तर च ही बैठा है, मतलब कचहरी च भी नहीं जाना पऊगा। तो एक हरे रंग का जिहड़ा स्टाम है हो सकता है महंगा होवे क्योंकि उस इलाके मुताबक CLU की कीमत, उस इलाके मुताबक पोल्यूशन की, फायर की, हाउसिंग की, वो कीमत सारिया के बीच शामिल होनगियां। सो जदों ये रजिस्ट्री होगी वो तो बाद जिहड़ा व्यापारी अपनी फैक्टरी जिहड़ी है वो अगले दिन तो शुरू कर सकता है, उन्हें किसी होर परमिशन की लोड़ नहीं पैनी। तो मैं अज दसदिया खुशी है कि साडे कोल 6 जिहड़े व्यापारी आए ने जिन्होंने पहले 6 ग्रीन कलर के स्टैंप पेपर खरीद के खज्जल खुआरी तो जिहड़ा बचण लई अपना उपराला जिहड़ा साडा पंजाब सरकार दा उहदा फायदा उठाया। सो 2 डेराबसी तो ने, 4 तपे तो ने, ये सारे अज इत्थे सैक्रटेरिएट वाले ऑफिस आए हुए ने। तो इन्होंने अपने पिन नंबर इन्हों एक मिल गया, वो कंप्यूटर जो पाया जाऊगा तो इन्हों का जोड़ा सारा डाटा है वो इतने आ जाऊगा। सो यही साडा मकसद है कि व्यापारी को घट तो घट खज्जल खुआरी हो, जिहड़ी चीज़ पहल परमिशन मिलने लगभग 8-8, 10-10 साल भी लग जाता सी, वो इन्हों 15-20 दिन मिल जा, छेती अपनी फैक्टरी शुरू कर, इन्हों भी पैसा जोड़ा वह ब्याज बचे तो छेती छेती लोगों काम भी मिले, फैक्टरी चल पे। सो ये बड़ी अच्छी पहल इन लोगों वालों व्यापारियों वालों मनिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों होर भी बहुत सारे जोड़े स्टैंप पेपर ने ग्रीन कलर के व्यापारी खरीद के वह फायदा उठाएंगे तो खज्जल खुआरी तो बचेंगे। सो पहला स्टैंप पेपर जिन्होंने खरीदया सी अज मैं उन्होंने ये स्टैंप पेपर महाशक्ति दे रहे हैं, महाशक्ति इंडस्ट्रीज़ है डेराबसी तो। सो इन्होंने बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। पंजाबी एकत चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दे लोकां नूं वड्डी खुशखबरी सुनाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिआं लिखिआ कि पिछले दिन इंडस्ट्री की खज्जल खुआरी घटाउण लई जो हरे रंग दे स्टैंप पेपर वाला फैसला लिया सी उस नूं लोकां दा भरमा हुंगारा मिल रहा है। मैनूं इह दसदिआं खुशी हो रही है कि अज 2 सनअतकारां नूं हरे रंग दे स्टैंप पेपर दित्ते ते चंगी गल इह है कि सिर्फ 17 दिनां विच ही इहनां नूं सारी मंजूरियां मिल ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ NOC ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।